वो मोमेंट हम दोनों के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट बन जाए। सरस्वती माँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे ना आपको इशारा दे दो। जैसे हम आपके अकाउंट में कृष्ण भगवान ने टफी के ऊपर फूल गिराया था, बिल्कुल वैसे ही कोई इशारा दे दो। सरस्वती माँ प्लीज मुझे ना मल्हार जी के आई लव यू का जवाब देने के लिए कोई स्पेशल आइडिया चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ। सरस्वती माँ कोई यूनिक सा आइडिया देना, ठीक है? सरस्वती माँ मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी कर दो ना प्लीज। एक किस। शादी के एक साल बाद अपने पति को एक किस तो दे ही सकती हो ना। 21 रुपए। समझ गई, सब समझ गई मैं सरस्वती माँ, आपका दिया हुआ इशारा मैं समझ गई। और हाँ प्लीज वो पिल्लू और संपदा वाली बात वो भी पूरी कर दो। हाँ थैंक यू। पंडित को, पंडित शादी की तैयारी शुरू करो। अब आएगा मल्हार को मजा। कल्याणी मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रही है। क्या हो गया आप? ठीक फिक तो है ना? आपको बुखार बुखार तो नहीं आया ना? तबीयत ठीक है ना आपकी? बुखार? शायद से नींद आ रही है आपको बहुत। आप ब्लैक कॉफी लेकर आओ आपके लिए। ब्लैक कॉफी लाती हूँ मैं। ब्लैक कॉफी? हाँ अभी आंखें बंद थी आपकी। सो रहा था? हाँ। क्या हो गया आपको? नहीं मुझे लगा कि तुम। मैं क्या? मैं कह रही थी कि मुझे कोई इशारा दो, उन्होंने मेरे सामने मेरे दुपट्टे पे 21 रुपए गिरा दिए। और पता है उनका इशारा, उनका कहने का मतलब ये था कि मैं 21 रुपए का गिफ्ट खरीदूं मल्हार जी के लिए। अब उनका इशारा तो मैं समझ गई, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं 21 रुपए में क्या गिफ्ट खरीदूं पिल्लू। कहाँ मैंने सोचा था कि 21 रुपए देके कल्याणी मुझे किस देगी? कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। लेकिन ये शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ होगी। लेकिन चिंता मत करो, मल्हार ने मुझसे मेरी कल्याणी छीन कर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मल्हार की बर्बादी। और मल्हार की बर्बादी की शुरुआत उसकी बहन की शादी के साथ। वैसे आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें राधे के नाम से यहाँ पे बुलाया, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था तुम्हें यहाँ तक लाने का। पड़ेगा
और कल्याणी हो तो तुम समझदार, लेकिन बस कभी कभी पता नहीं इतनी बेवकूफ वाली हरकत कैसे करती हो। मतलब चलो शुरू करते हैं। अरे हेलो अंकल, क्या कर रहे हो आप? आपने ये स्वारा आंटी को ऐसे बांध के क्यों रखा है? अथर, इसका मतलब ये है कि अथर की याददाश्त वापस नहीं आई। आप तो बड़े गंदे अंकल निकले। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने संपदा को फंसाने के लिए अथर के ठीक होने का नाटक किया। ये बात मुझे संपदा को बतानी होगी। मैं ये होने नहीं दे सकता। नहीं, खोलो खोलो खोलो। अथर हटो यहाँ से। रुको, मुझे खोलने दो इन्हें। अरे मुझे खोलने दो। आप अपने पैर हटो हटो यहाँ से। यार नहीं कर सकते आप ये शादी। प्लान बनाया? मैं बताता हूं संपदा, ये प्लान हमारा था। जो कुछ भी अभी हुआ ना, वो सब हमारा नाटक था। अथर्व की कोई आदर्श वापस नहीं आई है। हाँ, अथर्व की आदर्श तो वापस नहीं आई, लेकिन तुम वापस जरूर आ गई हो इस घर में, हमारे घर में। अब्बा के कहाँ जाओगी संपदा? हाँ, चल तेरा नया भाई या बहन भी आएगा, फिर कुछ ही महीनों में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना संपदा? और तुम मेरी जिंदगी में कल्याणी की जगह कभी नहीं ले पाओगे। तुम्हारा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कभी होगा। अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप आईवीएफ के लिए राजी हो जाओ, वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगे। मल्हार, अब संपदा पकड़ी जा चुकी है तो अनुप्रिया जी और अथर्व को वापस बुला लेते हैं। नहीं है तो किसी चीज की अच्छी तरह पता है मुझे मल्हार जी कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन वो मैं आपसे इतनी आसानी से थोड़ी ना कहने वाली हूं। सर, और क्या खबर है? रचित और संपदा जिस जगह पे छुपे थे उस जगह का पता चल गया सर। ये तो अच्छी खबर है। अब बस एक ही चीज रहती है, रचित की गिरफ्तारी। यहां से पकड़ो। काम करवा लिया मुझसे।
गुड बॉय। ये जगह ठीक है, यहाँ पर इसे कोई नहीं देख पाएगा। चलिए चलो चलो चलो। अले कहाँ जाए, यहाँ से तो नहीं जा सकते, वहां से भी नहीं जा सकते। अले हम नीचे भी नहीं जा सकते, वो मैं वहां से छुप के आया था ना, वहां पे ब्लैक टी शर्ट वाले गुंडे खड़े थे। थी मैं? क्या लगा आपको, कुछ इम्पोर्टेंट? कुछ नहीं। जाओ जाइए। जाऊं? जो पूछना था कहना था कह दिया तो हाँ हम जा सकते। तुम ना च्यवनप्राश खाया करो, याददाश्त बहुत खराब हो गई है तुम्हारी। मल्हार जी, जो बात सुनने के लिए आप बेकरार हो रहे हैं ना, वो बात कहने के लिए मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ। लेकिन आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा और। हेलो, स्विच ऑफ। फोन को भी अभी बंद होना था, शायद मल्हार ने मेरी बात तो सुन ली होगी। भगवान क्या करूं, अब अंदर कैसे जाऊं? ये अथर पता नहीं कहां फंसा होगा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाना होगा। मल्हार रुको, हम भी तुम्हारे साथ। साहब नहीं, हमें अनुप्रिया और अथर्व की बहुत चिंता हो रही है। साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुश नहीं होने दूंगा उन दोनों को। मैं आपको नहीं ले जा सकता, आपकी जान को खतरा हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए। इसीलिए कह रही हूँ, जल्द से जल्द IVF के लिए मान जाओ। जितनी जल्द तुम IVF के लिए मान जाओगी ना, उतनी ही कम तकलीफ होगी तुम्हें, समझी? कल्याणी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी और मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे भी मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब रचित यहाँ आएगा और मुझे चुरा कर लेके जाएगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। की लोकेशन भेजिए, टीम लेके जल्दी से यहां पहुंचो, जितना जल्दी हो सके। अंकल दिखाने आ जाएगी इसकी हो नाइटर। नहीं 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 चाची, नहीं उस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इसने हेडफोन्स लगाए ना, इसमें बहुत फुल वॉल्यूम पे लाउड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है, तो टॉर्चर तो हो ही रही है। अच्छा वैसे संपदा, तुम्हें कुछ सुनाई तो देने वाला नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि तुम ना रचित से ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि मेरे मल्हार जी बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। एक मिनट सुनो, मैं तुम जाओ जल्दी जाओ। कोई आ तो नहीं रहा ना वहां से? देख लो, संभल के। ये रचित मंदिर कैसे पहुंच गया? उम्मीद करता हूँ कि माई और अथर्व ठीक हो। ध्यान से सुना, हमारे लिए अभी शादी हुई है। चुप रहो। जवाब सुनने के लिए जिंदगी भर इंतजार किया, अब जब जवाब दे रही हूँ तो आप मुंह फेर रहे हो। मुंह नहीं फेर रहा कल्याणी। अगर तुम्हारी बात मेरा दिल सह नहीं पाया तो पहले से ही दड़करे बढ़ गई हैं तो दवाई खा लेता हूँ। चुप बोलिए मल्हार जी, चुप बोलिए। ये एक बात बोलने में तुमने बरसों लगा दिए। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने हाथ के तिल के लड्डू बना के खिलाऊं, लेकिन मेरे बनाए लड्डू तुम चबा नहीं पाओगी। और फिर तुम्हें शुगर भी है क्या? फिर आज तो मैं उन्हें बता ही दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। उनके आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से दूंगी। एंड देन कल्याणी मल्हार जी एंड पिल्लू शैल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। कल्याणी मैं क्या कह रहा था कि ये भी क्या है? ये बहुत खूबसूरत है, ये कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें? और उसी की तरफ मल्हार महसूस करेगा जब वो तुम्हारा चेहरा देखेगा। क्या है ये?
हाँ कल्याणी, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ इस बात पे, लेकिन फिर स्वरा ने फोन पे बताया कि रचित को गोली मारने वाली और कोई नहीं अनुप्रिया जी ही है। उसने ये भी बताया कि आओ साहब वही है और वो गोली चलने के बाद तुरंत अनुप्रिया जी को वहां से ले गई। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। चिंता इस बात की है कि मल्हार इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। याद है ना तुम्हें, कल्याणी को कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं। आई मुझे माफ कर दीजिए आओ साहब। आई कल्याणी, आई रोना बंद करो, काम पे जाओ। कल्याणी मेरे हाथों खून हुआ है, कल्याणी मैंने उस रचित की जान ले ली। नहीं नहीं नहीं, नहीं आई, आई आई रोना बंद करो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है ठीक है, और ऐसे मत बोलो ना। आई आई देखो, त्वरा ने हमें सब कुछ बता दिया है। सही कह रहे हैं, और हम सब है ना तुम्हारे साथ, हमें कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हें तो गांव जाना ही होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है इन्हें आओ साहब, एक बार सोच के देखे के अचानक से अगर अनुप्रिया जी यहाँ से गायब हो गई तो लोगों का शक और बढ़ेगा। हाँ सर, बस हमने एक बार कह दिया ना तो कह दिया, अनुप्रिया अभी बस पकड़कर सातारा चली जाएगी। सर देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रचित शायद से मरा ही ना हो, वो अभी तक जिंदा हो, है ना? और मल्हार जी, आप तो सब जानते हैं ना, आपको भरोसा है ना, आई पे करते हैं ना आप आई को सपोर्ट। आई की कोई गलती नहीं है मल्हार जी, सारी गलती उस रचित की है। कहीं नहीं जाएंगी ये, कहीं नहीं। कानून की तरफ मेरा एक फर्ज है और मैं उस फर्ज से बंधा हुआ हूं। माई से जो भी गलती हुई है मैंने अपनी आंखों से देखा है काका, और कानून तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना। माई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा। तुम्हें हमेशा हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत है? अरे कह सकते हो ना कि तुम वहां थे ही नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं। और स्वरा कुछ नहीं कहने वाली और अथर्व की बात अदालत नहीं मानने वाला। लेकिन सही और गलत भी कुछ होता है बलार। रचित ने तुम्हारे बच्चे के साथ जो किया वो गलत था, तुम्हारी पत्नी के साथ जो किया वो गलत था, और आज जो स्वरा के साथ करने जा रहा था वो भी गलत है। बलार मैं मानता हूँ कि अनुप्रिया जी ने स्वरा को बचाने के लिए रचित के साथ जो किया सो किया, मगर तुम उस समय उनकी नियत क्यों नहीं देख रहे हो? बला जिंदगी भर मैंने तुम्हारा साथ दिया, आज मेरा साथ दो प्लीज कर, माफ कर दीजिए मुझे। मैं जो करने जा रहा हूं मेरे वैसे ही वो बहुत मुश्किल काम है। सजा मिलनी ही चाहिए, मल्हार सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। कल्याणी तुम तो कुछ कहो। माई हमें पुलिस स्टेशन जाने से पहले
कमिश्नर साहब से मिलना होगा, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं माइक को यहाँ पे अपनी मर्जी से लेकर आया हूं, मुझे शौक है उनको लॉकअप में रखने का। पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि रचित जिंदा हो और आई को मैं इस इल्जाम से आजाद कर सकूं। और अच्छी बात यह है कि उसकी लाश नहीं मिली है। हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो उठ के भाग गया हो, और अगर वो जिंदा है तो मैं उसको जल्दी पकड़ लूंगा और माई के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। चलो बहुत हो गया, बाहर निकलो। नहीं, आप आई को जेल तक तो ले आए हैं ना? नहीं, मैं मेरी आई को नहीं छोड़ने वाली हूँ। कल्याणी, क्या बचपना है ये? कल्याणी, देखो अब तुम जल्दी से घर जाओ, मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, उसे तुम्हारी जरूरत है कल्याणी। और उस बच्चे की जान बचाने के लिए संपदा को भी राजी करना है ना, वो सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ, जल्दी घर जाओ। ध्यान रखना। साइन करो या फिर बाहर मेरी टीम तुम्हें जेल ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, रचित जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही थी, वो तो अब तुम्हें बचाने के लिए आने से रहा। रचित, मुंह फेरने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी संपदा। जेल जाना है या साइन करना है, सोच लो। जो इल्जाम लगे हैं वो मिटाने के लिए काम आएगा। आप उसका स्टेटमेंट ले लीजिए। इतना आसान नहीं है कल्याणी। रचित भले ही मुजरिम हो लेकिन उसके भी कुछ अधिकार हैं। इस वक्त हमें सिर्फ उम्मीद करनी चाहिए कि रचित बच निकला और जिंदा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो माई के ऊपर जितने भी इल्जाम है वो सब बेबुनियाद है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं रचित को जेल भिजवाऊंगा और मैं को घर वापस लेकर आऊंगा। फिक्र मत करो। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा छोरा? हम दोनों की जो शादी हुई है वो बिल्कुल सही है। सही है? पूरे मंत्रों के साथ। और ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं ना, ये मुझे अथर्व ने ही पहनाया है। तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि अथर्व की दिमागी हालत
वो बच्चा है दिमाग से, यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मलाल बाबा आपने भी तो आई से शादी की है ना। मामा जी रुक जाइए, पागल के साथ रहकर ना इसका भी दिमाग खराब हो गया। देखिए आप मेरे भाई पर ऐसा हाथ नहीं उठा सकते। आप तो चुप ही रहिए, हद हो गई। अरे जरा तुम लोग, हम इसे नहीं बदल सकते अब से। अथर्व और मैं पति पत्नी हैं। देख मेरी बात ठंडे दिमाग सोच। मल्हार तुम इसके जिंदगी के फैसले क्यों ले रहे हो? ये दूध पीती बच्ची थोड़ी ही है। मैं जानता हूँ कि माई को गिरफ्तार करने की वजह से आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन उस बात का गुस्सा आप मेरी बहन पे तो नहीं निकाल सकती ना। आप भी अच्छे से जानती हैं कि सोरा ने जो किया है वो गलत है। दादा मैं फैसला कर चुकी हूँ, से अथर भी मेरे पति है। नहीं किया, देखो देखो मैंने खुद से किया, क्यों मुझे रोना गया? वो समझ गए, नहीं सुन रहा ना मुझे आपकी बात। कल्याण ठीक है, आप लोग को जो करना है ना करो, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए मेरी आई पे कोई कैसे झूठा इल्जाम लगाता है। कल्याणी देखो, मेरे होते हुए मेरी आई को कोई सजा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा मेरी आई को। मेरी आई गुनी नहीं है, मेरी आई गुनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो मेरी नहीं किया है, मेरी आई को नहीं किया है। फिर से फोन काट दिया। आखिर ये इंसान है कौन? मेरी ऐसी तस्वीर कैसे आई इसके पास? अगर ये तस्वीर किसी ने देख ली तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? अनुप्रिया जी एक आदमी ने गवाह के कैबिन चलो। आई प्लीज चलो, देखो अब कोई सवाल सवाल नहीं। कल्याणी चलो ना, कल्याणी मेरी बात मानो। कल्याणी 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 छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? कल्याणी बात करो, ऐसे मेरी बात सुनो। तुम एक बार बैठो। नहीं कल्याणी बैठो, आई बैठो और पानी पियो। चलो पानी थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा बैठो। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है सुनो, तुम मेरी बात सुनो। देखो आई तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैडम जाइए ना यहाँ से प्लीज, सर आएंगे तो हमें डांटेंगे। प्लीज आप चलिए यहाँ से। आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहाँ अपनी आई अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना? देखिए मुझे उनसे ना अकेले में बात करनी है। आप यहाँ कल्याणी, आपकी जिंदगी में शायद मेरा कोई महत्व ही नहीं है। काका ऐसा काका ऐसा नहीं। भाई तुम भी ना, देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चल रही हो और कोई बहस नहीं करोगे। तुम कभी तो बात मान दिया करो मेरी आई, प्लीज चलो, तुम चलो चलो। कल्याणी घर जाओ। नहीं जाऊंगी, ऐसा ना हो कि पुलिस स्टेशन से बाहर फेंकना पड़ जाए। जाओ ना कल्याणी। ठीक है अभी के लिए चली जाती हूँ मैं घर, लेकिन कल कोर्ट में मैं मेरी आई को कोई सजा नहीं होने दूंगी। हम सब माई की तरफ है कल्याणी, मेरे पास एक प्लान है, एक तरीका है जिससे माई बच जाएगी। आप सिर्फ मुझे बहलाने की कोशिश करें, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ना मेरी आई को कुछ नहीं होने दूंगी। कल्याणी मलाल जी क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है आके तुमसे झूठ बोल रही है? देखो मैं जानता हूँ कि माई तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, और उतनी अहमियत तुम्हारी मेरी जिंदगी में है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं अहीर को कोर्ट में पेश करूंगा। हम माई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जेलर को बोल दिया है कि कल अहीर की पेशी है। अभी तक ऑफिशियल परमिशन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ मल्हार जी, थैंक यू मल्हार जी, एंड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मल्हार जी, I'm really sorry. अब कुछ समझ हो ना, अब चाहे तो पनिशमेंट दे दो मुझे। हाँ कल्याणी, बदतमीज तो तुम हो जाती हो। हाँ?
लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलके माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माई को कुछ नहीं होगा। आता है जब सारे लव बर्ड्स एक दूसरे को देते हैं प्यार भरे तोहफे, तो आपने अपने प्रेमी के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है? कॉल करके हमें बताइए 8888-6644 पर। बाबा, 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 कल वैलेंटाइन्स डे है ना, तो मेल को भी अपनी बेबी को गिफ्ट देना है। आप तो मेरे सीनियर हो, आप आई को क्या देने वाले हो? मैं भी वैसा ही कुछ दे दूंगा। वो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। नहीं बाबा, अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो कुछ तो देना पड़ेगा। सोला जी को इतनी डांट भी पड़ी है, आई बोलो ना क्या दूं मैं सोला जी को वैलेंटाइन डे पे। आई क्या हुसैन, हुसैन अगर मुझे उम्र कैद की सजा हुई ना तो कल्याणी का ख्याल रखिए, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हुसैन, लेकिन है तो बच्ची ही ना, अभी उसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। भले राव साहब की मौत के लिए हमने उसे माफ किया हो, लेकिन अगर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है? सुनाना था तुम्हें, वो देखो ना लोग कितने खाली हैं, कैसे कैसे जोक भेजते हैं। देखो एक घर में दो लोग हैं, एक घर में दो लोग हैं, एक का नाम है आई हेट यू और दूसरे का नाम है आई लव यू, ठीक है। अब दोनों में से आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता है, सवाल ये है कि बचा कौन? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। आई हेट यू की यादें। अगर आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता तो आई हेट यू की यादें बची। इस सही में इतनी बेवकूफी है मेरी फिर के लिए दी। और वो वक्त बहुत स्पेशल होगा हमारे लिए, आई प्रॉमिस। बस गणपति बापा, प्लीज मेरी आई को किसी भी तरह इस इल्जाम से फ्री कर दो, फिर लाइफ में सब कुछ पहले जैसा एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। जज साहिबा प्लीज, आप बस आधा घंटा रुक जाइए। देखिए जेल अथॉरिटीज से हमें परमिशन मिल गई है कि अहीर सुनवाई के वक्त यहाँ आ सकता है, आधे घंटे की बात है। आई एम सॉरी मिस्टर सार्थक, पहले ही आपने लास्ट मिनट पे एक नए विटनेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ मेरी पत्नी खूनी नहीं है। मैं अनुप्रिया जी को इतने सालों से जानता हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगी, वो इस तरीके की इंसान है ही नहीं जो किसी का बुरा चाहेंगी या बुरा करेंगी। वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी आई खूनी नहीं है, मेरी आई ने कोई खून नहीं किया। कल्याणी समझ गए आप, नहीं है मेरी आई खूनी। कल्याणी कोई खून नहीं किया, मेरी आई खूनी नहीं है, मेरी आई कोई खूनी नहीं है, कोई खून नहीं किया, मेरी आई कोई खून नहीं किया, अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ ना। देखिए इस वक्त मेरी आई को मेरी सख्त जरूरत है, और उस कोर्ट रूम में उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। एसीपी, मैं जानती हूँ तुमने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए इस हरकत के लिए आपकी पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगी। अपनी वाइफ को तुरंत यहाँ से ले जाइए प्लीज। देखिए आप सिचुएशन समझ नहीं रही हैं। चलो कल्याणी, सिचुएशन ही ऐसी थी, मेरी
आई ने कोई खून नहीं किया है, मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। सिचुएशन ये ऐसी थी, आप समझ क्यों नहीं रही है? मेरी आई खूनी नहीं है। समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन बोला कैसे किया? खामखा चोट लग गई ना, तो जज पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कल्याणी, क्या ही बताऊं। लेकिन तुम्हें भी तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना दर्द हो रहा है? थप्पड़ तो मुझे लगा है ना, तो दर्द आपको? हाँ कल्याणी, दर्द मुझे हो रहा है यहाँ। ये ठंडा है, ये लगाओ। देखो कल्याणी, हमारे पास उस जज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम सुनवाई के वक्त नहीं आ सकती कल्याणी, ऐसा ना हो कि तुम कोर्ट में आओ और जज गुस्सा हो जाए। हमें माई की भी फिक्र है ना। यहाँ पे अनुप्रिया जी मौजूद थी और स्वरा के बचाव के लिए उन्होंने रजत को गोली मारी, तो रजत का मरना मात्र एक हादसा था और कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजत नक्सलवादियों से भी मिला हुआ था, तो उसकी मौत स्वरा के और इस देश के हित में थी। लेकिन मिस्टर राणे, जो आप बोल रहे हैं उसका सबूत कहाँ है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि रजत नक्सलियों के साथ मिला हुआ था? जज साहब, अब रुकावट के लिए माफी चाहता हूं। जिला साहब बस हमारे विटनेस को लेके पहुंचते ही होंगे। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो आई का क्या होगा? मुझे स्ट्रांग रहना होगा, हमें स्ट्रांग रहना होगा। आई को इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। मंदिर में ना उनकी जेब से निकाल लिया था। हो सकता है कि जिस सबूत की हमें तलाश थी वो इसी के जरिए मिले। जज साहब, आप मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए, मैं खुद विटनेस को लेकर आता हूँ। मैं आपको एक घंटे का टाइम देती हूँ, अगर आप उतने देर में विटनेस को यहाँ ले आए तो ठीक है। जज साहब, लेकिन एक घंटे में कैसे जाएगा? और मैं एक घंटे में ले आऊंगा। एक घंटे में आपको अहिर यहाँ मिलेगा। पता नहीं ये औरत कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस औरत के जरिए ही हमें रचित की और काली करतूतों के बारे में पता चलेगा। पर अब इस तक पहुंचूं कैसे? मैसेजेस, दोनों ने मैसेजेस पे बात तो जरूर की होगी। कॉल करके बोलूंगी तो क्या? अब जब तक मैं आइए को लाकर गवाही दिलवाकर माई को रिहा नहीं करवा देता ना, तब तक तुम्हें कल्याणी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा।
सिटी हॉस्पिटल चलिए। कैसे आई है? घर पे तो कांस्टेबल्स इसकी पहरेदारी कर रहे थे ना। डॉक्टर पाठक के यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है सरोगसी के लिए। तुम इधर ही रुको। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सरोगसी क्या होती पता नहीं तुम्हें? मैं बताती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा बच्चा किसी और औरत के पेट में कैरी करने के लिए दूँ। अब समझी? हाँ। मेरा 4 बजे का सरोगसी के लिए अपॉइंटमेंट है, प्लीज बताओ डॉक्टर को। खेलते खेलते ये गिर गया, बच्चों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? सुनो, फॉर्म फिल कर दिया जैसे डॉक्टर ने कहा है। ये क्या फॉर्म भर रही थी संपदा? हो सकता है कि इस फॉर्म से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मैं रचित के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर पाऊं और आई को निर्दोष साबित कर पाऊं। आपके पास क्या सबूत है कि मिस्टर रचित नक्सलियों के साथ मिले हुए? कहां है आपके एसीपी? अगर आपकी बात सच होती तो एसीपी के साथ अहिर को आ जाना चाहिए था। माय लॉर्ड, ना अभी तक एसीपी आए हैं ना ही इनका विटनेस अहिर आए हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और वैसे भी मुझे पता चला है कि इस हॉस्पिटल में किडनी बेचने का काम हो रहा है। किडनी बेचने का काम करते हो? इलीगल काम करते हैं यहाँ पे लोग। हाँ, ठोकू के हे केस ठोकू क्या? मिस्टर बापट बीच में मत पड़िए, मैं काम कर रही हूँ, हैंडल इट। हाँ, क्या केस ठोकू इस हॉस्पिटल पे? बुलाओ मीडिया। हाँ, अभी केस ठोकते हैं यहाँ पे सब पे। हाँ, केस ठोकू मैं? यहाँ कोई किडनी बेचने का काम नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको संपदा का फॉर्म चाहिए ना? हाँ, मैं देती हूँ। तो क्या हुआ? मेरे पति एसीपी मल्हार राणे औरंगाबाद के सिंगम, नाम तो सुना ही होगा आपने, उनके पत्नी हूँ मैं, तो उनके बिहाफ पे मैं ये फॉर्म देख सकती हूँ ना? आपके हस्बैंड एसीपी हैं, आप उनको बुलाकर लाइए, मैं उनको फॉर्म दिखा दूंगी, पर आपको नहीं दूंगी। देखिए, मेरी भी एसीपी बनने की ट्रेनिंग चल रही है, मैं आधी एसीपी बन चुकी हूँ। सिक्योरिटी, चलिए यहाँ से, अंदर पेशेंट से। देखिए, मैं एसीपी बनने वाली हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। देखिए, हमें मजबूर मत कीजिए वरना हमको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलिए। अरे, चलिए 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 चलिए। मिलने से रोक नहीं सकते, मैं उससे मिलूंगा भी, उसे कोर्ट भी लेके जाऊंगा और उससे गवाही भी दिलवाऊंगा, देखता हूँ क्या करते हैं आप। कैसे मिलने दूं उसे जबकि वो होश में नहीं है? कल रात उसने लॉकअप में एक कैदी के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की है कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, वहां बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है? बेहोश पड़ा है तो गवाही कैसे दिलवाऊं? एक अहिरी है जो ये साबित कर सकता है कि रचित नक्सलियों के साथ मिला हुआ था। क्या करूं? ऐसे तो केस, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि मालती और संपदा का कुछ कनेक्शन है और रचित मालती से मिला हुआ है। ये ना कुछ बड़ा गेम चल रहा है और उसका पता इसी हॉस्पिटल से चलेगा। आई मेरा पेट दर्द हो रहा। क्या? मेरा पेट दर्द हो रहा। क्या हुआ? मेरा पेट दर्द हो रहा है। अथर्व, संभालो खुद को। अथर्व, क्या हो गया? आई पेट में दर्द हो लिया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अथर्व, क्या? अथर्व, आई, क्या हुआ? अथर्व, सवाल पूछ रही है। देखिए, अगर मेरे अथर्व बेटा को कुछ भी हुआ ना, तो
तो पूरी दुनिया से डॉक्टर शब्द से विश्वास उठ जाएगा। जल्दी जाके स्ट्रेचर लेके आइए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। आए, बहुत दर्द हो रहा है बेटा। आए, बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा ओवरएक्टिंग मत करो अथर्व। अरे लोग नाटक करते रहे होंगे तो लगता है वैसे नहीं मानेंगी। मैं ना अभी की अभी फेस नोट पे लाइव जाती हूँ। अरे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी इस हॉस्पिटल के बारे में कि कैसे ये हॉस्पिटल के लोग इस पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैंने पैसे की बात कब की मैडम? अब अगर वीडियो इंटरनेट पे वायरल करना है तो थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। होने वाले बच्चे के बारे में सोचे, आपकी बीमारी की वजह से अगर उस होने वाले बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो? ए, तू काहे को फोकट का ज्ञान बांट रहे लिए? जाना अपने काम से काम रख। पर मैं क्या गलत कह रही? सही तो कह रही हूँ ना। और हैरानी तो मुझे उस बच्चे की माँ पे हो रही, ऐसे कैसे वो ये बात जानते हुए भी आपको सैरोगेसी के लिए पैसे दे सकती है? अच्छा अब समझी, तू भी यही धंधा करती है ना, तू मेरा पैसा मारना चाहती है। देखिए बकवास मत करिए ठीक है। हाँ तो चल काम रख। क्या कर रही है तू? मेलिया को मारा आपने? ये भी अथर्व, तुम्हें एक फोन मिला था ना, वो फोन दो। वो गंदे अंकल का? हाँ। ये रहा। ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका मतलब वही औरत मालती थी। मालती रचित संपदा। हेलो काका, क्या चल रहा है वहां पे? सब ठीक तो है ना? कल्याणी, हम यहाँ पर मलार का इंतजार कर रहे हैं, वो अहीर को लेके आने वाला है। और अच्छा, इसका मतलब अहीर के आते ही आई के ऊपर जो भी इल्जाम लगे वो सब मिट जाएंगे, है ना? चलो अच्छा है। पता है मैं कितना डर गई थी काका। कल्याणी मलार आ गया, मैं करता हूँ। हेलो, चलो शुक्र है मलार जी के इस आइडिया की वजह से कम आई को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब इस मालती का पता लगाना होगा कि आखिर मालती, रचित और संपदा का क्या कनेक्शन है। कहीं कहाँ ये मालती? नहीं आ सकता, मतलब मल्हार अहीर को आना था, अनुप्रिया जी को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। मल्हार, उसके लिए हम सॉरी, पर आपकी एक छोटी हेल्प चाहिए। वो जो मालती पैसे ले रही है, वो औरत उसे पैसे क्यों दे रही है? वो उस औरत से पैसे इसलिए ले रही है क्योंकि वो ना उसकी सरोगेट बनने जा रही है। वो बेचारी औरत ना माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? हाँ। okay. जी विटनेस से बात कर सकती है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। एसीपी, आपको जो कहना है कट करें आके कहिए। तो हो चुका है, अब अगले 9 महीने तक इस बच्चे को अपनी कोख में आपको संभालना है। एक और बात, सरोगेसी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है,
इस पेपर पे आपको साइन करने होंगे जिसमें लिखा है कि अगले 6 महीने के लिए आप बच्चे के माँ बाप को नहीं मिल सकती। अगर मालती नहीं तो ये संपदा किसी और औरत को सैरोगेट बना लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पैसे तुम ही रखो और मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को IVF के जरिए तुम नहीं, मैं अपनी कोख में पालूंगी। लेकिन मैडम, लेकिन ये बात संपदा को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई तुम? मैं जानती हूँ कि डॉक्टर पाठक ने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जगह IVF मैं करवाऊंगी। और संपदा को बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है वो तुम्हारे साथ हुआ है। और वैसे भी हाँ ठीक है ना, तुम पता नहीं है मुझे अभी, पर मैं पूरी रिसर्च कर लूंगी, फिर आपसे भी ज्यादा पता होगा मुझे। शक्लें बनाने की जरूरत नहीं, मैं इंटरनेट पे सब सर्च कर लूंगी। पोस्ट IVF केयर। वो बहुत ही नाजुक हालत में है, तुम नहीं समझोगे। अले आए, कैसी बातें कर लियो तुम, मुझे गले में। नहीं 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 अथर, नहीं गले मत मिलो अथर, नहीं तो मेरे पेट में फिर से दर्द शुरू। अरे मैं मिलने। नहीं 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 अथर, देखो मेरा पेट अभी बहुत नाजुक हालत में, ऐसा नहीं हो सकता। अले आए, तुम नहीं 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 अथर, देखो मैं जिस हालत में ना, मैं अभी ऐसे गले नहीं मिल सकती, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, तुम समझ रहे हो ना। तुम कोर्ट चलो ना, वहाँ जाके ना नानी से गले लग जाना, अब वो जो पुलिस अंकल होते ना वो तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। एक और बात, तुम्हें ना एकदम स्ट्रॉन्ग बेटा की तरह मेक श्योर करना है कि मेरे आसपास वाले लोग ना मुझे धक्का ना मारे, मेरे टमी पे ना लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल्याणी, मल्हार, उनसे वादा करो, वादा करो कि तुम दोनों दोबारा शादी करोगे। कुछ भी हो जाए ना तो भी तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। तुम कहीं छुट्टी वुट्टी पे जा रही हो, कोई वेकेशन पे जा रही हो क्या, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं होने वाला है, तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगी, ऐसे क्यों बोल रही हो? कल्याणी, एक बात और, आज के बाद ना किसी को ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें खूनी की बेटी के नाम से पहचाने। ऑप्शन पेपर्स है, गोद लेने के कानूनी कागजात। डेढ़ साल पहले इसी तरह कोर्ट के बाहर तुमने मुझे गोद लिया था ना अनुप्रिया। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, चल साइन करो।
कोई कानून नहीं है कल्याणी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बनाऊंगी ऐसा कानून, मैं पेटिशन डालूंगी। और जब तुम ये पेपर साइन कर दोगे ना, तब कल्याणी के नाम से अनुप्रिया का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। और ये पेपर्स उस बात का प्रूफ होंगे। चलो साइन कर। कल्याणी क्या कर रहे हो तुम? आई कल्याणी, मेरी बात मानो कल्याणी। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। माई हमें चलना चाहिए। कर दिया बेघर। कैसे भाई गाँव का पीपल पुराना याद उसको आए, तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। नहीं कल्याणी, रिलैक्स। मल्हार जी क्या कहते थे हमेशा? हाँ, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। काका, देखिए मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत अपसेट हैं, लेकिन मल्हार जी से इतना बड़ा झूठ कैसे, ऐसे कैसे मैं उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दूं गणपति पापा? अरे प्यार करती हूँ मैं उनसे, I love him। ना तो मैं मल्हार जी का दिल दुखा सकती हूँ और ना ही मैं मेरे भाई को जेल में देख सकती हूँ, तो मैं कह रही हूँ तुम क्या कर? तो हमेशा कल्याणी का साथ देना, मैं जानती हूँ कि वो जिद्दी है, तुमसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन ये सब उसका बचपना है। बच्ची तो है ना, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे लिए ना सही, मोक्ष के लिए कल्याणी का हमेशा साथ देना। मैं वादा करता हूँ भाई। फिलहाल डॉक्टर शहर से बाहर गया है, जैसे ही वापस आएगा मैं तुम्हें आईवीएफ के लिए ले जाऊंगा। उससे पहले प्लीज कोई चालाकी मत करना। तुम्हें क्या पता मल्हार, जिस डॉक्टर का तुम इंतजार कर रहे हो ना, उसे तो मैंने खरीद लिया है। आईवीएफ किया जरूर जाएगा, लेकिन बच्चा उस मालती की कोक में पलेगा, और ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। मेरा इश्क तुझ में सांस ले रहा था, तुझको हुई ना खबर, तेरे अलावा जाने
पता ना चला कि मैं तेनू प्यार कर दिया, तुझे कैसे पता ना चला। अब भगवान से आशीर्वाद मांगोगे? ये मत भूलना कि मल्हार ने जो किया है ना, जिसकी वजह से आज हमारी अनुप्रिया जेल में है, अरे उसके लिए तो खुद भगवान भी इसे माफ नहीं करेगा। पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जिस दिन हम देशमुखों का आप लोगों के साथ पाला पड़ा था। कोई पूजा नहीं होगी इस माहौल में घर में। महाशिवरात्रि की पूजा जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिल्लू की तबीयत और आई की रिहाई के लिए हमें ये पूजा करवानी चाहिए। मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। कैसे करूं? इतनी बड़ी बात छुपा रही हूं मैं आपसे कि मेरे इस कमी में आपका बेबी पल रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है मल्हार जी कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैंने माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि वर्ष को परिवार से भी आगे रखने की शपथ ली है मैंने, और शपथ को तो मैं नहीं भूल सकता ना। तो मुझे रखना है ना, और साथ ही साथ आई को रिहा करवाने की भी कोशिश करनी है। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, लेकिन कैसे निभाओ इन्हें? क्योंकि अगर मैं मल्हार जी को सच्चाई बता दूंगी तो रचित कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, और फिर मेरी आई को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं बच गई हूँ, मैं तुम्हें क्या करूँ, क्या करूँ मैं? तुम चाहे तो मत करो मुझसे बात, लेकिन सच ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे कल्याणी, प्लीज अगर हो सके तो माफ कर देना। पिल्लू सो गया था, नहीं तो इन लोगों को देख के डर जाता। आई जस्ट होप कि अंदर वाला बेबी इन लोगों को देख के डर ना गया हो मेरी तरह। इतने अनजान लोग आ रहे हैं आज घर में, अगर इस बात का फायदा रचित ने उठा लिया तो नहीं, मुझे सब पे नजर रखनी होगी, सबका ख्याल रखना होगा मुझे। हेलो, चारों ओर खतरा है देशमुख, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी वार्निंग को इतना लाइटली मत ले। 6 घंटे हो चुके हैं देशमुख, लेकिन तूने अब तक मल्हार को मेरे बच्चे के बारे में नहीं बताया। सोचा कि तुझे याद दिला दूं। रचित, हेलो,
वो भी नाराज है ना मुझसे। लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना इसे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको देख के उसके चेहरे पे वापस मुस्कुराहट आ जाएगी, सारा कागजी काम शाम तक पूरा हो जाएगा, पवार आपको लेने आएगा शाम को। आप खुश है ना? बहुत। पता है मेरे बच्चों की शादी के लिए आज से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। आज महाशिवरात्रि है ना, आज शिव और पार्वती की शादी हुई थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है काका? कल्याणी, बात गलती की नहीं है, बात अहमियत की है। अहमियत जो तुम्हारी आई अनुप्रिया जी सिर्फ तुम्हें देती है, और शायद किसी और की भावनाओं को वो अहमियत दे ही नहीं सकती। कल्याणी देखो, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में इस तरीके की नोकझोंक हो, इसलिए बेहतर यह है कि मैं यहां से चला जाऊं। मुझे जाने दो, और वैसे भी ये उत्सव के माहौल में मैं रहना नहीं चाहता। नहीं 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 काका, देखिए जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक चीजें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? आपको मुझसे बात करनी होगी, आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। कल्याणी मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं काका, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आज आपको ये सब सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा तो ही जाने दूंगी मैं आपको। काका आई के लिए सही पूजा का हिस्सा बन जाइए प्लीज। कल्याणी मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में, प्लीज 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 प्लीज। ये क्या किया आपने? ये नकली तलवार है। हाँ तो वो नाटक कंपनी वाले है ना। देशमुख, वो मेरे आदमी नहीं थे। मुझे तो जो भी करना है मैं खुद करूंगा। इसका मतलब ये तो पक्का है कि मैं घर में आऊंगा जरूर। या ये भी हो सकता है कि मैं अभी भी तेरे आसपास। गुबालों को मिट्टी में क्यों लग रहे हैं? गांडुल का बर्थडे है क्या? गांडुल? अतर्व ये क्या होता है? अरे केचुआ। अच्छा। हाँ। अरे बुद्धू, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करे ना तो ये बलून फूटे और हमें आवाज आए और हमें पता चले कि कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये गुब्बारे मिट्टी के अंदर दिख भी नहीं रहे तो कोई भी अगर इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। स्मार्ट हो गया अथर बेटा। ओ! देखा, ऐसी आवाज आएगी इस मिट्टी में से। वाह दीदी, ये तो सुपर आइडिया है। चलो चलो अच्छे से वो छुपा दो, दिखना नहीं चाहिए। सामने वाले दरवाजे से तो वो नहीं आएगा, सारी खिड़कियाँ भी बंद हो गई, इसका मतलब रचित जरूर बालकनी से अंदर आने की कोशिश करेगा।
अच्छे गहने, अच्छी साड़ी, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पर बाबा मैं क्यों पहनूंगा साड़ी और गहने? मेल पे तो अजीब लगेंगे, मैं बॉय हूं ना, मेल को नहीं पहनना साड़ी और गहने। आई मेल अगर सब कुछ बढ़िया सा पहना देना, मैं नहीं, नहीं साड़ी और गहने नहीं पहनूंगा। कल्याणी ये कल्याणी क्या है ये सब? अथर्व और रिद्धि का कोई नया गेम है, मिट्टी के अंदर गुब्बारे छुपा के उन्हें फोड़ना। I'm sorry मलहर जी, लेकिन मैं आपको रचित के जिंदा होने वाला सच नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे भनक भी लग गई ना कि आपको सब पता है तो शायद मेरी आई कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। चलो इस बहाने तुमने बात तो करी मुझसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे दोनों कौन से नए गेमों का आविष्कार कर रहे हैं। हाँ लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना जो शिव पार्वती बन सकते हैं। वैसे पार्वती तो कल्याणी भी बन सकती है, लेकिन फिर शिव कौन बनेगा? मैं नहीं बनूंगा। पल्लवी मामी, मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? मानेगा मुझे एक्टिंग नहीं आती है? मतलब हाँ कर भी सकते हो तुम पर। हाँ और वैसे भी ये पूजा माई और मोक्ष रखी गई है ना, आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ योगदान बनता है ना, है ना? हाँ हाँ ठीक है। के पतीले के अंदर हो सकता है। तुम कहां जा रही हो? मैं जा रहा हूं और फिर बारात लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं, याद है ना? आज शिव पार्वती का विवाह है कल्याणी, और तुम पार्वती हो और मैं शिव। क्या गारंटी है कि अगर मैं मल्हार जी को बच्चे के बारे में वैसा कहूंगी जैसा तूने मुझे कहने के लिए कहा है तो तू दुनिया के सामने आके मेरी आई को निर्दोष साबित कर देगा? प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं देशमुख, एक बार तूने मल्हार को सब बता दिया तो मैं आज ही महाशिवरात्रि के दिन सबके सामने आके ये साबित कर दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं मल्हार जी को अभी सब मैसेज कर देती हूँ, उन्हें सब कुछ बता देती हूँ जैसा तूने कहा है।
मल्हार जी देख के वो जरूर सबके सामने आ जाएगा। बेटा सुनो, अंदर जाओ और जाकर ना बाबा का मोबाइल ले आओ। हाँ जा। जब मैं यहाँ आकर हमारी शादी होते हुए देखेगी तो कल्याणी के चेहरे की रौनक लौट आएगी। मुझे तो उस पल का इंतजार भी नहीं हो रहा है कि कल्याणी को क्या पता, मैं तो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है।